क्या आप भी सऊदी अरब के अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सऊदी अरब के अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब के अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की बेसिक सैलरी कितनी लगती है, ट्रिप कितना मिलता है और महीने भर की सैलरी कितने तक आ जाती है, और अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की वैकेंसी कौन से ऑफिस में आती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो रोज देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरब की अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी 1999 में बनी थी और इसका हेड ऑफिस दमाम में है। दोस्तों अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपना भाई काम करता है, उससे हमारी फोन पर बातचीत हुई थी, तो उससे हमने पूछा था कि भाई आपकी कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी लगती है, उसको ट्रिप कितना मिलता है और उसके महीने भर की सैलरी कितने तक आ जाती है, और लाइसेंस कंपनी बनाकर देती है या अपने को खुद को बनाना पड़ता है। तो जो जानकारी उसने दी वो जानकारी आज के स्टूडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो इसके पास सत्ता है, ग्लाप है और टैंकर है। दोस्तों अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसकी बेसिक सैलरी 1200 प्लस ट्रिप लगती है, और महीने भर में इसमें सैलरी 2500 से लेके 3500-4000 तक बना लेते हैं ड्राइवर लोग, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितना ट्रिप लगाओगे उतनी आपकी सैलरी बन जाएगी। दोस्तों अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको कंपनी लाइसेंस बनाकर देती है। आप शुरू में नया आते हो तो आपका एक दो महीना अखामा बनने में लग जाता है, उसके बाद आपके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी आपको 3-4 महीने के अंदर कंपनी लाइसेंस बनाकर दे देती है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और दोस्तों अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल बाद में आपको 3-4 महीने की छुट्टी मिल जाती है, साथ में आपको आने जाने का टिकट मिलता है, साथ में आपको बोनस मिलता है। और दोस्तों अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपको अगर कभी इमरजेंसी काम होता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको टिकट अपना लेना पड़ता है। और दोस्तों आपको इन फ्यूचर मौका मिले सऊदी अरब की अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आने का तो आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये फ्रेश ड्राइवर भी लेती है और रिटर्न ड्राइवर भी लेती है। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि मेरा कोई भी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से अगर विदेश आता है तो अच्छी कंपनी में आए, अच्छी सैलरी पे आए, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद। और दोस्तों आप सऊदी की किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो, अगर हमारे पास जानकारी होगी तो हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको सऊदी अरब के अल जाबरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।